रोज रात 10 बजे जैसे ही घंटा घर की घड़ी बजती थी, यहाँ स्मशान घाट पर चिता पर लेटी हुई एक भूतनी उठकर बैठ जाती थी। अमिया साची, ए होना। और ये रोती हुई भूतनी जलती हुई दौड़ने लगती थी। ये भूतनी शहर के रास्तों से दौड़ती रहती। लोग इस मंजर को देखकर ही डर जाया करते थे। अमिया साची, ए होना। वॉच टावर पहुंचती थी और वॉच टावर के पास वाले तालाब में कूद जाया करती थी। अमिया साची, ए होना। इसके बाद शहर में हो रहा सारा शोर थम जाता था। शहर के लोग इस घटना से परेशान थे। ये कौन है? रोज ये क्यों ऐसे दौड़ती है? हमें इस औरत की आत्मा को मुक्ति दिलवानी चाहिए। हाँ, रोज रोज इस मंजर को देखकर शहर के सारे बच्चे डरने लगे हैं। हाँ, लेकिन हम सब इस भूतनी का क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, पर शमशान में बैठने वाले अघोरी जरूर कर सकते हैं। लेकिन रात में शमशान जाना क्या ठीक होगा? उनसे मिलना है तो हमें अभी ही जाना होगा। हम सब साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तीनों डरे सहमे थे, पर फिर भी वो स्मशान की ओर चल पड़े। स्मशान में उन्होंने देखा कि अघोरी अपनी आंखें बंद करके चिता पर बैठा था। बाबा, हमारी मदद कीजिए। हम सब रात 10 बजे आने वाली भूतनी से परेशान हैं। शहर में लोग रहने से डर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली। उस भूतनी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें भूतनी का अतीत पता होना चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब इस जगह शहर नहीं गांव था। इस गांव में चटर्जी परिवार रहने आया। ये लोग बंगाल के रईस लोग थे। चटर्जी परिवार में उनकी एक ही बेटी थी, पीहू चटर्जी। पीहू 17 साल की थी। पीहू के पिता ने इस गांव का गोदाम खरीदा था और अब वो उसके नए मालिक थे। कभी कभार वो पीहू को अपने साथ गोदाम ले जाया करते थे। वहीं उसकी मुलाकात सुजोय से हुई। आपना नाम की? अमार नाम सुजोय। आपना की बांग्ला जानी? हाँ। और बस यहीं शुरू हो गई पीहू और सुजोय की दोस्ती। वो लोग अक्सर एक दूसरे से बातें करते थे। सुजोय उसे घुमाने बाजार ले जाया करता था और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अमित तुमा की भालुबाशी। पीहू शर्मा गई, पर वो भी सुजोय को पसंद करने लगी थी। इसी बीच पीहू के माता पिता उसकी शादी की बातचीत कर रहे थे। पीहू, तुम्हारी शादी तय हो गई है? की? ये सुनकर पीहू परेशान हो गई। वो सुजोय से प्यार करती थी और उसे सुजोय से ही शादी करनी थी। उस रात पीहू और सुजोय वॉच टावर के पास मिले। आमी सुधु, तुमा की बीए कराबा। मैं भी सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। कल रात 10 बजे हम दोनों यहीं पर मिलेंगे और यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। ठीक आचे। लेकिन इन दोनों का मिलना सूर्योदय चटर्जी ने देख लिया। उस रात जब पीहू घर लौटी तो उसके पिता ने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया। आमी सुजोय के बीए कराबा। लगता है उस सुजोय ने हमारी बेटी पर काला जादू कर दिया है। हाँ, वरना आज तक तो इसने हमारे सामने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। कल सुबह ही इसे यहाँ से भेज देंगे, ये यहाँ नहीं रहेगी। और सुबह होते ही सुनंदा अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ी। और वो लोग कुछ ही दूरी पर पहुँचे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सुजोय! सुजोय! कोई नहीं बचा, न सुनंदा, न पीहू और न ही ड्राइवर। सारे लोग मारे गए। सुनंदा और पीहू की लाश उसके घर लौटी। सुनंदा, पीहू।
सबने लाश के अंतिम दर्शन कर लिए सिवाय सुजॉय के। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। वो तो दूसरे गांव में जाने की तैयारी कर रहा था। रात 10 बजने से पहले वो वॉश टावर के पास वाले तालाब के पास पहुंच गया और पीहू का इंतजार करने लगा। यहाँ पीहू की लाश चिता पर रखी हुई थी। उसके पिता ने रोते रोते अपनी बेटी की चिता को आग लगाई। पर जैसे ही घड़ी में 10 बजने का घंटा बजा, पीहू के शरीर में उसकी आत्मा लौट आई। वो सुजॉय के पास जाना चाहती थी और इसीलिए वो जलता हुआ शरीर लेकर सुजॉय से मिलने के लिए घंटा घर की ओर दौड़ पड़ी। जिन लोगों ने ये दृश्य देखा वो बेहोश हो गए। दौड़ती हुई पीहू सुजॉय की ओर बढ़ रही थी। सुजॉय डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आग उसकी तरफ क्यों दौड़ रही है। और सुजॉय तालाब में कूद गया और उसके पीछे पीछे पीहू की जलती हुई लाश भी तालाब में कूद गई। पीहू के शरीर की आग बुझ गई पर तब तक उसकी आत्मा जा चुकी थी। पीहू, पीहू, पीहू। सुजॉय फूट फूट कर रोया। अगली सुबह सुजॉय ने खुद पीहू की लाश को अग्नि दी। पीहू का शरीर जलकर अग्नि में विलीन हो गया पर उसकी आत्मा अभी भी सुजॉय से मिलने के लिए तड़प रही है। इसलिए वो आज भी अपने सुजॉय से मिलने जाती है। पर क्या इन सब का कोई अंत नहीं? जब तक उसका सुजॉय इस दुनिया में रहेगा उसकी प्रेमिका पीहू उसे पाने के लिए भागती रहेगी। पर सुजॉय है कहाँ? इस शहर में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा है। शहर के दूसरे कोने में सुजॉय बिस्तर पर लेटा है और उसका पूरा परिवार उसके आसपास है। उसकी पत्नी, बेटा, बहू, बच्चे सब। मैं चलता हूँ, पीहू मेरा इंतजार कर रही है। सुजॉय ने दम तोड़ दिया और साथ ही रात के 10 बजे वाली भूतनी का अंत हुआ। फिर किसी ने आग में लिपटी भूतनी नहीं देखी। पीहू का प्यार अमर था। वो मर चुकी थी पर फिर भी सालों तक उसने सुजॉय का इंतजार किया।